the marker in the water. यार ये देखें आप, ट्रैफिक इंटर होता जा रहा है। अभी कितना ज़्यादा रश आपने देखा, लेकिन अभी और ट्रैफिक इंटर हो रहा है यार। ये देखें और गाड़ियाँ आती जा रही हैं, पता नहीं इतना रश कहाँ समाएगा। तो चलें माल रोड के और भी क्लिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ना, असल जो रश होता है वो यहाँ पर GPU चौक पर ही होता है, माल रोड पर आगे इतना नहीं होता। लेकिन आपको पता है वीकेंड का व्लॉग है, तो फिर तो हमें बहुत 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 ज़्यादा जो है वो रश देखने को मिलेगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो ये देखें, ये जो है वो यहाँ से हमें माल रोड पे इंटर होना है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ट्रैफिक का भी रश है और इसके अलावा बंदों का भी रश है। ये देखें किधर किधर से मैं घूम के इंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ माल रोड पे। बहरहाल मुश्किल से इंटर हो ही गए। बाकी इन्वायरमेंट चेक करें, मौसम चेक करें, ये देखें इससे लो रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग कोट वगैरह। अब कुछ ईजी हो गया माहौल। देखें वहाँ पे एंट्रेंस पे तो बहुत रश है यार। यार एक चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमने मुर्री में जो है वो आप लोगों को गाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो इसी सिलसिले में ना हमने अपना एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। आपको पता है आजकल कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया जो है वो व्हाट्सएप ही है, तो इसलिए ग्रुप भी बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे ज्वाइन करें, ताकि आपकी और हमारी आपस में एक कनेक्टिविटी बन जाए, हम लोग आपस में ना कनेक्ट हो जाएं। और उसके अलावा आपको ना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी पाकिस्तान के डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट के रिलेटेड देखने को मिलती रहेगी। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग पेट्रोल के रेट्स भी शेयर करते रहते हैं, लेकिन हमारे एडमिन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उसी टाइम वो पोस्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं। तो हमारी बहनें भी और हमारे भाई भी, किसी भी किस्म का बंदा भी जो है वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इंशाल्लाह वो किसी की भी पोस्ट से डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम वहाँ पे एक्टिव एडमिन रहते हैं।
रश तो देखो यार, यार बताना चाहूंगा ठंड काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ठंड है। आप यहाँ पे ना लोगों की ड्रेसिंग से चेक कर सकते हो, तो आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज प्लीज उनका ना काफी ज्यादा ख्याल करना है। ये देखिए आप, यहाँ पे ना ये ऐसा एनवायरनमेंट है, तो ये भाईजान लोग ये चीजें सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे चलता हूँ, मोशन राइड की काफी आवाजें लग रही है, तो प्लीज आपने जरूर ख्याल करना है। आपको पता है मरी जो है वो एक बहुत ठंडा इलाका है, बहुत एक पीक पे है, बहुत ज्यादा पीक पे, बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे ना कम्प्लीटली जो है वो मौसम सरमा स्टार्ट हो चुका है, सर्दियों का मौसम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे लोग ना स्नोफॉल के सीजन के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बता ही देता हूँ आपको यार, हर ईयर आपको बताया जाता है कि मरी के अंदर ना स्नोफॉल का जो सीजन है वो दिसंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होना होता है। तो अभी तो आपको पता है दिसंबर के लास्ट वीक में तकरीबन 2 मंथ से ज़्यादा का वक्त है, तो यानी अभी 2 मंथ के अंदर हमें मुश्किल ही है मरी के अंदर स्नोफॉल देखने को मिले, लेकिन अल्लाह जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं। मैं सुन रहा था ना किसी भाई से टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे मैं सुन रहा था कि एक भाई अपना इरशाद फरमा रहे थे कि कुरान में ये हुक्म है कि किसी इंसान को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि बारिश कब और कहाँ कितनी होने वाली है। तो ये स्नोफॉल का हमें नहीं पता, अल्लाह जब चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बताना चाहूँ ना, ये जो टाइम रेंज है मरी के अंदर, अक्सर औकात हमें ना दिसंबर की लास्ट वीक से ही जो है वो स्नो देखने को मिल रही होती है, उससे पहले या उसके बाद जो है वो उससे पहले नहीं देखने को मिल रही होती, उसके बाद एटलीस्ट ज़रूर देखने को मिल रही होती है। लेकिन प्रीवियस ईयर एक मंथ से ज़्यादा अरसा जो है वो मरी के अंदर स्नो लेट हुई है, तो प्रीवियस ईयर तो आखिर में बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच के उम्मीद ही ख़त्म होने जा रही थी कि शायद इस ईयर स्नो ना ही देखने को मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने फिर भी जो है वो स्नो दिखा दी, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्नो भी हुई है, ये जगह बड़ी पड़ी थी। चले मैं इंशाल्लाह वो व्लॉग ढूंढूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा, यहाँ पे ना एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा। यहाँ पे बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, तो इंशाल्लाह दो ढाई मंथ बाद यहाँ पे इसी तरह के मंजर होंगे। यहाँ पे हमें बर्फ़ के ना बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, इतने ऊंचे ऊंचे ना कि वो जो होटल मैजिस्टिक का बोर्ड है ना उस जितने, इतने ऊंचे यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ जो हैं वो बन जाते हैं। तो बाकी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको रोज़ाना की बेस पे अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। रूम रेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे रूम रेंट ना इस होटल में सामने जो है वो 5000 में रूम इजीली आज की डेट में देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये वीकेंड ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर तो इजीली जो है वो 3000 में भी इस होटल में देखने को मिलेगा, यानी 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा, 2500 में भी देखने को मिल जाएगा, और स्नोफॉल वाले सीज़न में भी इसमें 4000 रुपये में देखने को मिल जाता है। इसका कंप्लीट रिव्यू हमने किया हुआ है, आप ना हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे इस होटल को अगर आप देखना चाहो अंदर से, मैंने इसके थंबनेल पे लिखा हुआ है लकड़ी वाला पुराना होटल, तो आप इजीली जो है वो वीडियोस को एक्सेस करके आप इन होटल्स को ना अंदर से भी देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में ना हमने मरी के बहुत सारे ऐसे होटल्स रिव्यू किए हुए जो हमें ख़ुद के लिए पसंद हुए, वो हमने आप लोगों के लिए भी पसंद करके रिव्यू किए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे अगर आप कोई बुकिंग वगैरह भी करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम आपकी ना ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे, और हर किस्म की हेल्प कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। बाकी उम्मीद है कि ये एपिसोड आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस का भी इजहार करेंगे कि कैसा लगता है आपको हमारा कॉन्टेंट, अगर कहीं कमी दिखी तो प्लीज़ 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 उसे ज़रूर पॉइंट आउट करवाइएगा ताकि हम अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।